ओडिशा को नहीं बात्या विपद आईएमडी साइक्लोन सेंटर मुख्य आरके चेनामणि कहले उपकूल छुई न पारे बात्या 150-200 किलोमीटर दूर से थाई रिकर्व करिबार संभावना दक्षिण अंडमान सागर रे नेला अवपात्र रूप कुआडे गले मैट्रिक परीक्षार्थी फर्म फिलअप कर 43,499 पिला परीक्षा देन जाणवा पर हस्तक्षेप कले शिशु सुरक्षा आयोग निजाणु माध्यमिक शिक्षा परिषद को मागिले रिपोर्ट विधायक सुभाष पाणिग्राही को मिला सत्तमूलक जमीन तिलेबणी विडीओ को माड़ मार अभोगे जाइंट जेल असुस्थता दर्शाई प्रथम देवगढ़ एवं परे बुला बड़ मेडिकल करा भर्ती रजराजनगर उपनिर्वाचन प्रार्थी चूड़ांत कला कांग्रेस किशोर पटेल लड़े उपनिर्वाचन दल पक्ष निष्पत्ति सूचना दे विधायक संतोष सिंह सालुजा बीजेडी और बीजेपी किए भी प्रार्थी तापर नजर बापा पॉकेट रु पैसा चोरी करूला पुओ 5,000 टंका उड़े नेवा परे कठोर हेले बापा पुओ को भल बाट को आई पुलिस ने कले अभोग 24 वर्ष पुओ को बांधला जयपुर पुलिस गुड़चर्चे राहुल वीडियो तेलंगाना राली पूर्व नेता पचारे आंदोलन विषय कौन ट्वीट कर समालोचना कले बीजेपी नेता अमित मल्लव्य लिखिले नाइट क्लब पर नेतागिरी कले इमित हुए समस्या बालेश्वर जलेश्वर में अभावन घटना पारिपारिक अशांति मुक्ति और चाकरी मिल निज पुह को गुणिया हाथ को टेकदे शाशु बंद कोर्ट में 79 दिन तकी गुणिया दुष्कर्म कर बुलेटिन आरंभ करने एक बड़ खबर ओडिशा को नहीं बात्यार विपद यह आश्वासना देखते आईएमडी साइक्लोन सेंटर मुख्य आरके जेनामणि कहवा कथा कि उपकूल छुई न पारे बात्या एपरिकी बात्या समुद्र मध्य उपकूल 150-200 किलोमीटर दूर से थी रिकर्व कर संभावना रही तेज ताजा सूचना अनुसार दक्षिण अंडमान सागर में लघुचाप क्षेत्र की अवपात रूप नहीं सारी 8 तारीख संध्या सुधा यह बात्यार रूप ने 10 तारीख संध्या जाएं यह उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसगर पहुंचा पर गतिपथ बदल उत्तर उत्तर पूर्व दिगरे गति ओडिशा उपकूल मुहां हो तेरे संभाव्य बात्या लैंडफॉल कर संभावना नहीं एपरिकी उपकूल समांतरल भाव में गति करे ये हूँ वर्तमान समय ताजा अपडेट जहांकि आसा को बात्यार जो विपद जो आशंका करा वर्तमान समय आईएमडी पक्ष स्पष्ट सूचना जारी करा कि ओडिशा को बात्यार विपद नहीं जो बात्या आसभाग छुईब ना यह आश्वासना दे आईएमडी साइक्लोन सेंटर मुख्य आरके जेनामणि कहवा कथा कि उपकूल छुई न पारे बात्या एपरिकी बात्या समुद्र मध्य उपकूल 150-200 किलोमीटर दूर से थी रिकर्व कर संभावना रही अर्थात यह उपकूल 150-200 किलोमीटर दूर से थी यह मोड़ नबार संभावना रही तेज ताजा सूचना अनुसार दक्षिण अंडमान सागर लघुचाप क्षेत्र की अवपात रूप नहीं सारी 8 तारीख संध्या सुधा यह बात्यार रूप ने देखो वर्तमान जो 11:30 रे आमे ताकु अवपात ऑलरेडी ताकु रूप देचु तार जो लोकेशन अछि ऑलमोस्ट सही साउथ ईस्ट वे आउ अर्जनिंग अंडमान सी रे आ तबरे ये धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिगु को गति करिकि काली सुधा बात्यार रूप नबो केंद्रीय बंगोपसागर रे आ 10 तारिख संध्या सुधा ओडिशा आ उत्तर आंध्र प्रदेश रो जो तटरु दूर से आम जो रही पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर उत्तर पश्चिम बंगोपसागर भितर पहुंचिकी ये 10 तारीख इवनिंग सुधा पहुंचिकी बात्या पहुंचे आउ 10 तारीख इवनिंग परे ये रिकर्व कर उत्तर उत्तर पूर्व आड़ 11 तारीख पर्यंत ये बात्यार रूप रही बात्यार इंटेंसिटी रही सर वेलमार्क लो प्रेशर अवपात रूप नहीं सर हाँ नहीं सर बर्तमान 11:30 रे हमें जस्ट रूप यह दिग कहीं की परिवर्तन कला तार कि निर्दिष्ट कारण दिग परिवर्तन तो हम समस्त जानती मे मस जो बात्या हुए मेजोरिटी दिग परिवर्तन करे कारण आमर जो रोचे एंटीसाइक्लोन रोचे जो उत्तर वर्तमान उत्तर बंगोपसागर अच्छी धीरे धीरे जीव आम उत्तर को तार पश्चिम गति कर उत्तर पश्चिम आड़ को 10 तारीख पर्यतर सी जो एंटीसाइक्लोन र तार रिज लाइन आम कह से रिज लाइन अच्छी 17-18 डिग्री रे जो 10 तारीख रही तार उत्तर गला मानते उत्तर उत्तर को गति कर एंटी साइक्लोन इंपैक्ट
ता सहित उपर जो स्टीयरिंग विंड रहउची वर्तमान उत्तर पश्चिम एति पय जाउची कारण तार जो स्टीयरिंग ता अछी जो उपर लेवल रे जो विंड अछी जो पवन रो दिग अछी सेटा पूर्वरु उत्तर पश्चिम को जाउची तें ताको नै कि जीव उत्तर पश्चिम कि किंतु 10 तारिख परे से पुनी दक्षिण पश्चिम रो स्टीयरिंग विंड रे आसीबो दक्षिण पूर्व रो स्टीयरिंग विंड रे आसीबो दक्षिण पूर्व आरगु उत्तर पूर्व आड़ उत्तर उत्तर पूर्व आड़ गति कर पश्चिम पश्चिम पवन स्टीयरिंग विंड रे आसीबो सर एबे भी ओडे आशंका रहूची कि या स्थलभाग ओडिसा रे छुइबो ना ओडिसा उपकूल रो केते निकटतर रहि कि जे देखंतु कोनोसी आशंका नाही जेतु आमे 11 तारीख पर्यंत हमर ट्रैक देइचू रिकर्व हेइचि भी ओडिसा आंध्र प्रदेश कोस्ट रो पाख को दूर रे रहि कि से रिकर्व करबो 10 इवनिंग परे आ आमे जो मॉर्निंग देइचू विंड आ हेवी रेनफॉल बस आमे को लैंडफॉल नाही कि स्थलभाग छुइबो आमे देइनो वर्तमान सुधा जो आसीचि हमर लेटेस्ट सर समुद्र मध्य दुर्बल कि ना उपकूल छुईला बेलू आहरी स्ट्रंग उपकूल उपकूल दूर रे से रिकर्व करूकूल छुँ ना एक्चुअली उपकूल दूर रे से रिकर्व करें जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट अच्छी केवल 40-50 गस्टिंग टू 60 देचु 10 तारीख इवनिंग पर रेनफॉल आरंभ हम कोस्टल डिस्ट्रिक्ट रे आइसोलेटेड हेवी देचु 64 रु 120 मिलीमीटर देचु बस यही लेटेस्ट है हमें कौन सी लैंडफॉल किंबा उपकूल छुंता देइनो सर ओडिसा पर निर्दिष्ट कौन प्रभाव रहइबो ए बात्यार ओडिसा रे यही मुजो कहली बार बार जो कहूची जे हमर जो रहिला तटीय जो जेतिकांका डिस्ट्रिक्ट अछि जायतु साइक्लोन ती दुरु दुरु रिकर्व करूची तेनु तार जेतिकांका जो प्रभाव रे आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल अब आउ गस्टिंग विंड रहइबो 40-50 गस्टिंग टू 60 रहइबो राजनपुर केंद्रापड़ा पुरी हमर जो गंजाम आ गजपति गोटे दिटा जगह रे बुलेटिन में नजर पकेबा आउ एक गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे देवगढ़ विधायक सुभाष पाणिग्राही को मिली जमीन देवगढ़ जिला कोर्ट शर्तमूलक जमीन प्रदान करिछंती तिलेबणी वीडियो को माड़ मारी गिरफ होइछंती देवगढ़ विधायक सुभाष पाणिग्राही तेज असुस्थता कारण प्रथम देवगढ़ जिला मुख्य चिकित्सालय में भर्ती कराइथिला एसी क्याबिने बेड मिलवाक नहीं बिवाद पर बुला बड़ मेडिकल को स्थानांतर कर तिलेबणी वीडियो कृष्णचंद दलपति को माड़ मार अभोग में बीजेपी विधायक सुब्यांग सुभाष पाणिग्राही को गिरफ्त करा से जमीन नामंजूर होवु 7 तारीख जाए विचार विभाग हिफाजत को पठाई देते कोर्ट पुलिस विधायकों विरोध में अपराधिक षड्यंत्र संगीन दफा लगता बेले भुवनेश्वर विधायक और दुई सहयोगी देवगढ़ पुलिस गिरफ्त कर कुमारमणि साहू एम आज बेल आप्लिकेसन हियरिंग है सेक्शन 15A3 अनुसार इनफर्मांट को नोटिस होता इनफर्मांट निजे प्रेजेंट थे ऑब्जेक्शन से कोर्टे देते सहित से मत रिटन ऑब्जेक्शन कोर्टे फाइल करते शुणी सारापर उभयपक्ष को मानवर कोर्ट शुणी से प्रोसिक्यूशन तरफ आम जुक्ति थिला जे समस्त मुदला मैंने 307 केस रे इनवल्व अच्छा एवं एक गुरुतर अपराध जोटा कि 3-2 जो लाइफ इम्प्रिजमेंट भाया ऑफेंस केस तेणु केसर गुरुत्व को लक्ष्य करके एवं जेहेतु सब मुदला मैंने संघबद्ध भाव इनफर्मेंट को तार जो स्क्रुटम को जोटा कि टेस्टिकल को अटैक कर जाशु कि जेटा गोटे डेलिकेट पार्ट बॉडी रो तेणु से तार मरीज संभावना था तेणु 307 वेल मेड आउट होता बोली कोर्ट को पाखे मोर जुक्ति उपस्थापन करी एवं मान्यवर कोर्ट को कही जेहेतु पब्लिक ड्यूटी जो पब्लिक अफिसर थी सर्वसम्मुखे माड़ मार जो सोशियाल प्रेस्टीज तर सोशियाल डिग्निटी लोअर डाउन इन द एस्टिमेशन ऑफ पब्लिक तेणु ए ग्राउंड में बेल रिजेक्ट करने कोर्ट मानवर कोर्ट को जुक्ति उपस्थापन करी एवं उभय पक्षर जुक्ति शुणा पर मानवर कोर्ट आज ऑर्डर पास करते से जमीन प्रदान करमिन नकल पाइला विरुद्ध कौन पदक्षेप निपर तर्जमा कलापर कह बर्तमान समस्त बेल छाड़ कंडीशनल बेल देते संभाव्य बात्या को नहीं प्रस्तुत अच्छी अग्निशम विभाग 30 जिले में 349 फायर स्टेशन रोचे भुवनेश्वर 175 स्पेशल यूनिट सजाग रोचे सूचना देखते अग्निशम विभाग प्रिंसिपाल रमेश माझे निर्देश दिया था सब फायर स्टेशन अधिकारी माने से माने ब्लॉक अधिकारी सहित मिसिकी साइक्लो सेंटर सेट आस्का लाइट जनरेटर फ्यूएल और
अन्यान्य इक्विपमेंट पंप सब रेडिनेस चेक कर प्रोब्लेम सर्ट आउट करने प्रिपेयर स्टेज ऑलरेडी ओवर वर्तमान आम फील्ड यूनिट से जो काम करेंगे संपर्क जिलापाल निर्देश अनुजाई से अधीन काम करेंगे जो जो जिलापाल निर्देश देते से अनुजाई से एक्टिवली काम करेंगे। भुवनेश्वर सहर पर ऑलरेडी आमको 18 लोकेशन में यूनिट रखा कहुई 18 लोकेशन में एक्सक्लूसिव पंप रलग अलग बाइचान्स वाटर लगिंग है टेक् केयर करेंगे एलंग विथ आवर जो कटिंग यूनिट एंड रिमूवल यूनिट सब सब रहा। ब्रजराजनगर उपनिर्वाचन किशोर पटेल हेबे कांग्रेस प्रार्थी ने सूचना देखते कांग्रेस विधायक संतोष सिंह सालुजा दल पक्ष निष्पत्ति सालुजा विजेडी क्या प्रार्थी कर प्रतिक्रिया रखुंट सरकारी दल मुख्य सचेतक प्रमिला मल्लिक से कहते कि मुख्यमंत्री जहां निष्पत्ति ने प्रार्थी हे विजेडी प्रार्थी दौड़ में स्वर्गत किशोर महांती स्त्री अलका महांती रही सेपटे बीजेपी क्या प्रार्थी कर समस्त नजर ब्रजराजनगर उपनिर्वाचन में राधाराणी पंडा बीजेपी प्रार्थी होने चर्चा चली तेज दल क्या प्रार्थी कर देखा बाकी रहा मे 31 तारीख में हो ब्रजराजनगर उपनिर्वाचन टिकेट ऑलरेडी डिक्लेयर हलानी श्रीजुक्त किशोर चंद्र पटेल से प्रार्थी हे आज बोली आज विभिन्न खबर कागज रू आसी निश्चित भाव पार्टी जहाँपी मोहर लगे आम चाहिए निश्चित भाव जीव प्रचार कर सब बेले देखी जिते बायलेक्शन हो सबुतरे विजु जनता दल जीतिक आजु जनता दल बायलेक्शन नुआ नुहे ये बायलेक्शन में विजु जनता दल बहु परिमाण भोट्रे जीतिक आस बहुत भोट्रे जीतिक आस देखिए बहुत भोट्रे जीतिक आस प्लान आमर तो सब प्लान अच्छे जिते बड़े जो इलेक्शन आसो आम से इलेक्शन जितबू आमर प्लान आम जुव महिला छात्र कृषक सब संगठन प्रस्तुत होते इलेक्शन घोषणा निर्दिष्ट निर्दिष्ट किसी लोक दायित्व दि जाए दल भितर दि जाए एवं इलेक्शन में दायित्व दि जाए स्वयं दायित्व नहीं निश्चित भाव जीतने ना प्रार्थी नहीं कौन द्वंद्व नहीं मानव मुख्यमंत्री जहाँ को प्रार्थी करेंगे सी भोट लड़े किए प्रार्थी हम केवल मानव मुख्यमंत्री जानते मानव मुख्यमंत्री जहाँ को जिते प्रार्थी करेंगे समस्त जाकि दलय कर्मी मैंने कम करेंगे ओडिशा को नहीं बात्यार विपद एक आईएमडी पक्ष स्पष्ट करा जे तेबे एचआर विश्वास बाबत कौन कहते सीधा सड़क आसंत सुनवा डिस्ट्रिक्ट में हल्का से मध्यम बारिश मेनी प्लेसेस में कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट में होने का चांसेस है। इंटीरियर में एक दो जगह में बारिश जैसा नॉर्मल होता है उसी तरह से है। कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट में मेनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश होगा। हमारा टेंथ इवनिंग से बारिश मेनली होने का चांसेस है और हैवी रेनफॉल एक दो जगह में हो सकता है गजपति गंजाम पुरी में टेंथ में और इलेवेंथ का जो है इलेवेंथ में बारिश थोड़ा नॉर्थवर्ड एक्सटेंड होने का चांसेस है। इसमें हल्का से मध्यम बारिश मेनी प्लेसेस में ही कोस्टल विषय में रहेगा और हैवी रेनफॉल गंजाम पुरी खुर्दा कटक एंड जगत सिंहपुर ये सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक दो जगह में हो सकता है और इसका प्रभाव में हमारा विंड का जो ये है साइक्लोन का हाइस्ट जो साइक्लोन सेंटर वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल अब में टेंथ में जब रहेंगे उसमें स्पीड हमारा रहेगा 80 to 90 गस्टिंग टू 100 अराउंड द साइक्लोन सेंटर और उसका बाद फिर इलेवेंथ में हमारा 70 to 80 गस्टिंग टू 90 प्रेडिक्ट किया गया है और अलोंग एंड ऑफ उड़ीसा कोस्ट में इलेवेंथ से स्क्वाली वेदर स्टार्ट होने का चांसेस है। उसमें 40 to 50 kmph तक विंड गास्टिंग में 60 तक अलोंग उड़ीसा कोस्ट ऑफ उड़ीसा अलोंग एंड ऑफ उड़ीसा कोस्ट में होने का चांसेस है। ये है आपका इसीलिए हमारा फिशरमैन वार्निंग है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो है फिशरमैन वार्निंग ही है। फिशरमैन को 9th से ही सेंट्रल बे ऑफ बंगाल डीप सी एरिया में जाने के लिए मना है। 10th में नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल वेस्ट सेंट्रल एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल एरिया में और 11th में हम लोग बिल्कुल समुद्र जाने के लिए मना किया और जो भी अभी डीप सी एरिया में है 10th मॉर्निंग तक वापस आने के लिए कहा गया है। यही है सिस्टम रिगार्डिंग और अगला 5 दिन का जो फोरकास्ट अभी हमारा जो है आज थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी जो हमारा प्री मॉनसून होता है अभी अगला 24 आवर्स में भी रहेगा और उसके बाद आइसोलेटेड वे में एक दो जगह करके रेनफॉल थंडरस्टॉर्म का साथ रहेगा अगला 9 तारीख तक। नहीं अभी तो आपका बहुत देर है तो अभी हमारा जो है नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ उड़ीसा कोस्ट बोल रहे हैं मीन्स ऑफ उड़ीसा कोस्ट आपका जो आएगा नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल पर रिकवर होने का बाद
तो इसमें डिस्टेंस अभी नहीं कहा जाता है, इसमें आपका एरिया ही कहा जाता है। ठीक है सर, ये जो 4 से 6 आउट तक ये डिप्रेशन में रहेगा, ये चाहिए हाँ? 4 से 6 आवर तक ये डिप्रेशन में आ जाएगा। हाँ, अभी हमारा मॉर्निंग 8:30 ऑब्जर्वेशन एनालिसिस में था ना, अभी आपका हमारा 11:30 ऑब्जर्वेशन होता है, फिर 2:30 ऑब्जर्वेशन होता है, ये एनालिसिस होने के बाद आपको इवनिंग तक फिर मतलब इवनिंग बुलेटिन में शायद हमारा डिप्रेशन हो ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसका नाम क्या है? साइक्लोन होने से आप लोगों को सबका तो पता है, ठीक है, नाम जो ऑलरेडी है वो दिया जाएगा, एक एक करके सीरियली हमारा 169 नाम पर सीरियली है। ठीक है, नहीं नाम अभी तो साइक्लोन का नहीं दिया जाता है। ठीक है, साइक्लोन होने के बाद ही तब नाम दिया जाता है। नॉर्मली हमारा ऐसा तो ये अभी इस सिस्टम के लिए नहीं बोला गया है, बट नॉर्मली रिकवर होने का टाइम में थोड़ा सा ये होता है, बट अभी इस सिस्टम के लिए उस तरह से फोरकास्ट अभी नहीं दिया गया है, अभी मॉनिटरिंग में है, क्लोज सर्विलेंस में है, जैसा जैसा होगा अपडेट दिया जाएगा। रिकव नॉर्मली सिस्टम जो होता है हमारा गाइडेड होता है अपर एयर इवेंट का, ठीक है, प्लस हमारा प्रेशर पैटर्न का, तो वो जो पैटर्न है उसमें से हमारा और भी फैक्टर्स है, जैसे हमारा सिसर फेस टेम्परेचर किधर ज़्यादा है, डिफरेंट लेयर में विंड क्या है, ये इसको एनालिसिस करके हम लोग ये करते हैं जो किधर सिस्टम जाएगा उसकी तरह से ट्रैक फिक्स्ड होता है। ठीक है, कोस्टल का सर विंड स्पीड कितना रहेगा? कोस्टल एरिया में हमने बोला आपका 11th में हमारा स्क्वाली विंड स्पीड होने का चांसेस है 40-50 गस्टिंग टू 60। ठीक है, 11th में हाँ हेवी रेनफॉल का जैसा हमने बोला आपका 10th में और 11th में, अभी अगला पाँच दिन में 10th और 11th आ रहा है, 10th में हमने 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए अभी दिया है, बट ये गजपति गंजाम पूरी और 11th का गजपति सरकार के हमारा गंजाम पूरी जगत सिंहपुर खुर्दा एंड कटक ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में है, कोस्टल विशाखा में मेनली अलोंग द कोस्ट लाइन हैवी रेनफॉल होने का चांसेस है। सर, हमारे ओडिशा के लिए इम्पोर्टेंट है कौन सी दिन ज़्यादा साइक्लोन का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? अभी तो 10th से कमेंट्स होगा, एटलीस्ट 10th से 12th तक तो इसका रहेगा ही। ठीक है, संभाव्य ओडिशा को कौन विपद नहीं, तेज एने एक बड़ सूचना सामना को आसुची आईएमडी साइक्लोन सेंटर मुख्य आरके जेना सूचना रखिंट 150-200 किलोमीटर दूर से थी बात्या रिकर्व कर संभावना रोचे, संभाव्य बात्या नहीं ओडिशा को कौन विपद नहीं। रायगढ़ जिलार 2 स्थानों 74 जन पिला कोरोना, रायगढ़ कोटलागुड़ा स्थित एक हस्टेल 44 जन छात्र कोरोना आक्रांत होता बेले हाटमुनिगुड़ा सरकारी विद्यालय 20 जन पिला कोरोना आक्रांत होते तेज छात्रों ठीक कोरोना लक्षण नाला बेले समस्त छात्र सुस्थ अच्छा खबर पाई रायगढ़ जिला मंगल अधिकारी अशोक कुमार शतपथी पहुंची स्थित अनुधान कर गत 4 तारीख में स्वास्थ्य विभाग आरआरटी टीम पक्ष हॉस्टल रोकता 257 जन पिला आरटीपीसीआर टेस्ट कर 44 जन छात्र नमूना पजिट बाहरी संक्रमण न व्यापी हॉस्टल पक्ष समस्त प्रकार व्यवस्था करषंकटक ब्लक हाटमुनिगुड़ा सरकारी विद्यालय में 20 जन छात्र कोरोना पॉजिटिव थी जमापड़ बापा पकेट्रु 5000 टंका चोरी कर गिरफ है पुओ एभली एक घटना घटू जयपुर सहर से पुओ को भल बाट को आने बापा एभली पदक्षेप नहीं जमापड़ तेज सूचना अनुसार गंगानगर साहर मोहम्मद इशाक एक राशन दुकान कर परिवार चलांते तेज 24 वर्षीय पुओ को पाठशाठ पढ़ाई उच्च शिक्षित करने भी भल बाटे न जीवारु बापा बाध्य थाना अभियोग करते एथपाई पुओ को गिरफ्त कर पुलिस पुओटी सांगसाथी पड़ खराब रास्त जा बापा पकेट्रु 5000 टंका चोरी करते चोरी घटना को सही नपारी जयपुर थाना अभियोग करते बापा थाना अधिकारी इशाकर पुओ इरफान को गिरफ्त कर जेल भितर पुओ गुण से सुधार आसो से आशा रखिंट लोक मे करी सूचे पिला भल हूँ बोली आम गोटे बाट देखा
मुझे बाट देखा चेष्टा करूँ भारी दुख सार मत बापा बोली डाकिला मत काड़िके कहला मुझे दु तीन थर थाना धरी पड़े आसली आज्ञा मैंने बहुत कोअपरेट करते पुलिस वाला आईएसी भल लोक बढ़िया लोक नाई है पिला को बुझेबा आम आम पिलाटा मुझे बाध्य सर बाध्य आपको मैंने जेल में कौन हो कौन ना आपको माँ बापा आदरटा जानू से घर कौन चर्चा कांग्रेस नेता राहुल गांधी आउ एक वीडियो वीडियो सामना को आसपापर कांग्रेस पुणि आक्रमण मुहां होजेपी वीडियो को बीजेपी रे सोशल मीडिया मुख्य अमित मालवीय सेयार कर वीडियो रे राहुल गांधी तेलंगाना रे कांग्रेस नेता सहित कथा देखा मिली वीडियो रे से कांग्रेस कर्मी को पचारुं आज मुख्य विषय कौन बास्तव में कौन कहवाक वीडियो को शेयर कर बीजेपी नेता अमित मालवीय राहुल गांधी को कटाक्ष कर लिखिंट कि तेलंगाना रे रैली पूर्व राहुल कांग्रेस कर्मी को पचारुंटे आज थीम कौन आउ कहवाक जोबले जो व्यक्ति निजर विदेश गस्त और नाइट क्लब भितर राजनीति करती सेमती घटी थाए अमित मालवीय अमित मालवीय यह पूर्व राहुल नाइट क्लब भिड सेयार करते जो राहुल गांधी को पार्टी करुवा देखा मिलता नाइट क्लब वीडियो वायरल होगा पर राहुल को खूब टारगेट करता बीजेपी से कांग्रेस किसी सामान फटो सेयार कर बीजेपी को टारगेट कर मैट्रिक परीक्षा छात्र छात्री अनुपस्थित को गंभीरतार नहीं शिशु अधिकार सुरक्षा आयोग निजर हस्तक्षेप करने सहित माध्यमिक शिक्षा परिषद को रिपोर्ट तलब कर प्रकाशित खबर अनुसार पिला कुआडे कले से उत्तर रखा 13 तारीख जाए समय देते शिशु सुरक्षा आयोग संध्यावती प्रधान बोर्ड पक्ष रिपोर्ट आसवा पर जिला शिक्षा अधिकारी सविशेष रिपोर्ट मगाजी तेणु पिला अनुपस्थित कारण जमापड़ा पर विभिन्न सरकारी सुविधार लाभ मिले व्यवस्था करा राज्य शिशु सुरक्षा आयोग करोना समय क्लास अभिभावक एवं दलालों कथा पड़ किसी पिला दादन घटा जा नजर रोज तेज सविशेष रिपोर्ट आसवा पर प्रकृत तथ्य जमापड़े आम दायित्व हूँ पे समस्त स्कूल को जब शिक्षा ग्रहण करेंगे मिनिमम तंकर आमे जेहेतु कहे जे 18 वर्ष पर्यंत पिलामाने शिक्षा ग्रहण करूँ 14 वर्ष पर्यंत बाध्यतामूलक अच्छी आउ 18 वर्ष पर्यंत से माने शिक्षा ग्रहण करूँ तेणु निश्चित भाव में यहाँ गोटे चिंताजनक विषय से आमर कमिशन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन प्रेसिडेंट को आमे मागिछु रिपोर्ट कौ परिस्थिति रे स्टेटस रिपोर्ट आमे मागिछु एवं सहित डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन एवं आमे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मध्य संपर्क में अवगत करिछु आमको स्टेटस रिपोर्ट दियंतु तापरे सेमाने देला परे केते पिला जाइछंती आमे डिस्ट्रिक्ट लेवल रो मध्य तार तथ्य मगेबू काई कौ परिस्थिति रे पिला माने केते पिला जाइछंती दादन कटिया पई बा आउ कोनोसी किसी से अनुमान कराऊ किए झी झी मैंने चाइल्ड मैरेज करती किए बाहर को चलाण होती तेणु से सटीक तथ्य आम मगेबू प्रत्येक जिलूर से आम निश्चित भाव में आक्शन नवापी आम निश्चित भाव से कमिशन आक्शन नब मैट्रिक परीक्षा पर फर्म पूरण कर पिला परीक्षा देवाक आसन जमापड़ क्योंपाई पिला परीक्षा देवाक दूरे रही से नहीं आरंभ हो खोलताड़ एने माध्यमिक शिक्षा परिषद कर्तृपक्ष रिपोर्ट मगाजाइला परिषद सरकार को रिपोर्ट देखा कह परिषद पक्ष छयास हजार नुहे 43,000 498 जन पिला परीक्षा देना रेगुलाल 42,704 एक्स रेगुलार 785 परीक्षार्थी अनुपस्थित रही चलित बर्ष परीक्षा देवाई 5,71,909 जन छात्र छात्री ना पंजीकरण करते 5,28,420 जन परीक्षा देखते मयूरभंज गंजाम बलांगीर और नवरंगपुर सबुठ अधिक परीक्षार्थी अनुपस्थित रही 2022 समेट्रिक आसेसमेंट 2 पर फर्म पूरण कर छात्र छात्री 2020 पंजीकृत होते जितेबड़े कि नवम श्रेणी में नाम लिखाई करोना समय से नाम लिखाई अनुपस्थित रही परीक्षार्थी को फेक तथा नकली कहीपारीएससी पक्ष यह सहित अति आश्चर्यजनक सफे रखी माध्यमिक शिक्षा परिषद चलित थर फर्म पूरण मागणा हो स्कूल प्रधान शिक्षक मैंने समस्त छात्र छात्री मैट्रिक परीक्षा देवे आशा कर फर्म पूरण कर
अर्थात दशम श्रेणीर समस्त छात्र छात्री फर्म पूरण कर दिखाई एवं कितु कहीं संख्यार पिला परीक्षा देना तार प्रकृत कारण जानवाप जिला और ब्लक शिक्षा अधिकारी रिपोर्ट मगा कॉर्पोरेट जगत को छाड़ आत्मनिर्भरशील होबार स्वप्न देखुले भुवनेश्वर श्वेता मिश्र केवल भारत नुहे विदेश में चाकरी करुले भी कॉर्पोरेट क्षेत्र में से आकृष्ट कर शेष में चाकरी छाड़ निजर उद्योग आरंभ कले जार ना देखते गेलिज बेक आंड बेक्स कौन इंग्राजी ना नदी निजर झील गिल्ली ना श्वेता कर उद्योग भुवनेश्वर आयोजित महिला बिजनेस मेला सभी को आकृष्ट कर स्टल ताइवान से चाकरी करुले गोटे बेकरी रे काम सिखिथिले से कौशल आपणे से प्रस्तुत करिसेंती स्वादिया केक बिस्कुट एवं चॉकलेट तेबे स्वतंत्र एही बेकरी आइटम किनिबा पई ग्राहकंकर भिड़ जमुछे गिल्ली एक्चुअली मो झियो को डाकुथली एही नारे तो ता नारे गोटे एही बेकरी टा स्टार्ट करचो समस्ते प्राय फॉरेन ना चूज करिया चेष्टा करंतु जेहेतु आमे ओडिया एंड ओडिसा रे बेकरी करचो आमे भाबिलु के गेली वुड बी एन एप्रोप्रिएट नेम फर्स्ट टू डेज तो एत भल कि नाला बट आज रेस्पन्स बहुत भल अच्छे एंड एटी बहुत बहुत भल बेस कस्टमर्स अच्छा आमको जेनराली एज वुमन एंटरप्रेन्योर्स मानक स्कोप किसी मिले बट एम एत हाइलाइट करके मैंने आम मैं बहुत खुशी लगुच एंड ये बहुत भल अपॉर्चुनिटी आम मानक ग्रो करवाई मुझु कॉर्पोरेट जॉब्रे थी बट आई वाज ऑलवेज पैशनेट अबाउट बेकिंग तो छोट बलु खाइबा मो आई टाइम रु से बहुत भल रोष करते मो माँ बहुत भल रोष करते इवन मो माँ बहुत भल बेक करती तो इन्स्पायर्ड हो कि आम घर आग निजे छोट छोट सब आइटम्स करवा आरंभ कल तापर प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं कि एबे बेकरीटा स्टार्ट करछु समझ छोड़ सा दीपक कोट रुको जो खबर पाई देखते कनेक्ट न्यूज नमस्कार।